नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। और आज ये वीडियो शूट कर रहा हूँ कुछ स्पेशल टॉपिक पे। और वैसे तो मैं नहीं बोलता हूँ किसी को कि मेरा वीडियो देखिए, क्योंकि मेरा वीडियो कुछ खास होता नहीं है। आज का टॉपिक स्पेशल है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और इस वीडियो में जो भी जानकारी मैं दे रहा हूँ वो आपके काम का हो। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, आज जो दिन है, तो आज के दिन को कहते हैं पिज्जा डे। पिज्जा डे के तौर पे मनाया जाता है ये दिन। वैसे तो आपने बहुत सा डे सुना होगा, वैलेंटाइन डे, हग डे, मदर्स डे, फादर्स डे, मजदूर डे, क्या क्या डे सब कुछ सुना होगा। लेकिन पिज्जा डे भी बहुत लोगों ने सुना होगा, लेकिन शायद आपने नहीं सुना होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप पिज्जा डे के बारे में भी जानें, ये पिज्जा डे क्या है। तो आज 22 मई को बिटकॉइन पिज्जा डे मनाते हैं। ये अक्सर उन लोगों को तो पता होगा जो क्रिप्टो मार्केट को जानते हैं, क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हैं, क्रिप्टो से लगाव है, उनको तो पता होगा। लेकिन जो जिनको नहीं लगाव है, जो इस मार्केट से दूर है, उनको नहीं पता होगा। लेकिन आपको जानना चाहिए, बेहद ज़रूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप इस वीडियो को देखिए। लेस्लो नाम का कोई इंसान था, जो कि एक प्रोग्रामर थे, प्रोग्रामर थे। उन्होंने आज के दिन में 22 मई 2020 को बिटकॉइन का पहला ट्रांजेक्शन जो है पेमेंट के रूप में किया था। आज तो लाखों करोड़ों जगह बिटकॉइन जो है पेमेंट के रूप में इस्तेमाल होता है, लेकिन वो 2010 22 मई को पहला ट्रांजेक्शन था बिटकॉइन का जो पेमेंट के रूप में इस्तेमाल हुआ था। अच्छा, पेमेंट किस चीज़ का किया गया था? तो पेमेंट किया गया था पिज्जा का। 22 मई 2010 को लेस्लो नाम का कोई इंसान था, जो कि एक प्रोग्रामर थे, उन्होंने दो पिज्जा खरीदा था। दो पिज्जा के बदले उन्होंने पेमेंट के तौर पे 10,000 बिटकॉइन दिया था। 10,000 बिटकॉइन दे के उन्होंने दो पिज्जा खरीदा था। इसीलिए आज के दिन को जो है पिज्जा डे मनाते हैं, कि अगर वो उस दिन पिज्जा नहीं खाए होते और उस बिटकॉइन को होल्ड किए होते तो आज उनकी कैपेसिटी क्या होती, उनकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती, आज उस बिटकॉइन की क्या कीमत है। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि अक्सर हम ऐसे चीज़ों को हल्के में ले लेते हैं जिसको हम जानते नहीं। वो उस दिन बिटकॉइन के शायद वैल्यू को नहीं जानते थे, हालांकि एक प्रोग्रामर थे, एजुकेटेड इंसान थे, लेकिन फिर भी शायद है उन्होंने 10,000 बिटकॉइन दे के पिज्जा खरीदा होगा। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आज इस 10,000 बिटकॉइन की कीमत 22 अरब रुपए से ज़्यादा है। ताकि मैं स्क्रीन पे एक बिटकॉइन की कीमत लगा देता हूँ, आप 10,000 बिटकॉइन की कैलकुलेशन कर लेना और देख लेना कि अगर वो उस दिन बिटकॉइन को हल्के में ना लिए होते, पिज्जा ना खाए होते, बिटकॉइन को अभी तक रखे होते, तो उनका क्या हाल होता और उनके पास कितना पैसा होता, ये आप जरूर सोचें। इसीलिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ताकि आप लोग जानो, फ्यूचर को जानो, टेक्नोलॉजी को जानो। टेक्नोलॉजी क्या है, मतलब क्रिप्टो एक न्यू टेक्नोलॉजी है, इसको समझने की ज़रूरत है। और अगर हल्के में न लिए होते तो आज क्या होता, आप खुद ही कैलकुलेशन करके देख लो कि एक बिटकॉइन की अभी प्राइस क्या है, और 10,000 बिटकॉइन दे के पिज्जा खरीदे, आज एक बिटकॉइन के बदले में आप, मतलब अगर दो बिटकॉइन आप दे, अगर आप दो बिटकॉइन दे तो 3 थार खरीद ले, 3 थार खरीदने के बाद पैसा और बचेगा। या 2 बिटकॉइन देंगे तो 3 थार खरीदेंगे, तो ऐसा है।
बाकी मैं स्क्रीन पे लगा देता हूँ अभी के लाइव बिटकॉइन का प्राइस। ये बच्चे जब बड़े होंगे तो इनके जमाने में जो है क्रिप्टो यूज केस में आ चुका होगा और ये समझेंगे और ये वीडियो यूट्यूब पे पड़ा होगा तो देखेंगे। ये हमारे पापा भी थे जो बहुत पहले बिटकॉइन के बारे में बात करते थे। आप लोग भी इस टेक्नोलॉजी में थोड़ा इंटरेस्ट ले, देखें, समझें। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एक प्यारा सा बताइएगा कि हाँ हमें अच्छा लगा, आपने अच्छा जानकारी दिया। और ये भी बताइएगा कि अगर वो उस दिन पिज्जा नहीं खाए होते तो आज कहाँ होते।